अब क्या होगा? क्या होगा? आरती होगी, उसके बाद विसर्जन होगा। लेकिन आज तक नवरात्रि की आरती तो बापूजी ही करते आए हैं, और आज अगर वो आरती किए बगैर चले गए तो गरबे का विसर्जन कैसे होगा? अगर वो विसर्जन की आरती से पहले ही घर छोड़कर चले गए तो फिर कौन करेगा आरती? Don't feel bad. आज तक तो बापूजी आरती करते आ रहे हैं, अब हम घर का नियम कैसे तोड़ सकते हैं? बापूजी घर में सबसे बड़े जो ठहरे कहाँ? हाँ, सबसे बड़ी माता रानी। और वो इंतजार नहीं करेंगे, फिर चाहे कोई भी हो। भी खत्म हो गई, अब विसर्जन होगा। कि जीका का सचमुच बाहर नहीं आएंगे। विसर्जन के लिए भी, विसर्जन के साथ साथ घर छोड़ने का वादा किया है उन्होंने। अब अगर वो बाहर आएंगे तो सिर्फ घर छोड़ने के लिए। गलत कर रहे हैं आप। गलत और सही में फर्क करना तो तुम सीखो सुनंदा। गलत ये नहीं है, गलत था अपने पति और परिवार को धोखा देना। गलत था विश्वासघात करना, और ये घर अपनी बेटी के पैसों से अपने नाम करवाना। हमारा रिश्ता वैसे भी बहुत कमजोर बना चुकी हो सुनंदा तुम। अब मुझे इस घर में रोककर और किसी की गुलामी के लिए मजबूर बनाकर और गलत मत करना। कम से कम उस बेटी का मोहताज तो नहीं बनूंगा मैं, जिससे हम सब हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ चुके थे। हाँ, तुम इस बात को भुलाकर अपना स्वाभिमान मारकर रह सकती हो उस घर में, मैं नहीं। बापूजी, बापूजी इस तरह अपने बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे तो हम आपके बिना नहीं रह सकते बापूजी। हाँ बापूजी, हम सेम टू सेम नहीं जी पाएंगे। नहीं रह सकते ना, तो आओ चलो मेरे साथ, छोड़ दो माया का घर। डोंट फील बैड, पर ऐसे अचानक घर छोड़ दे मतलब? लेकिन हम घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? रहा है तो इस घर को छोड़कर मत जाओ। आपका गोपो मजबूर है बा, क्योंकि आत्मसम्मान बिना इंसान इंसान नहीं रहता। सारा परिवार, सारा घर, अपनी पत्नी, बच्चे, माँ, इनसे बढ़कर हो गया तेरा आत्मसम्मान। तू तो हमेशा कहता ये है इसीलिए मैं हूं, तो आज तेरा ये वजूद कहाँ चला गया? क्योंकि आज इन सब ने वो रास्ता चुन लिया है जिन पे मेरे कदम कभी नहीं चल सकते। माँ के साथ भी तू मेरी बिनती नहीं मानेगा, नहीं रुकेगा तू। तो ठीक है, ये तेरी माँ तेरा साथ देगी, मैं तेरे साथ चलूंगा। सुना आपने? बड़ों की बात मानने के लिए अब तोड़कर जाने की जिद कर रहा है ये तुम्हारा गोपू। उसके साथ जा रही हूं मैं। चल गोपू, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन इनको साथ लेके चलना। तुम्हारे पिता खुद भूखे रहे, लेकिन इस माता रानी की मूर्ति को पाई पाई जोड़कर घर लेके आए ताकि इनका साया हमारे सारे परिवार पर रहे, लेकिन ये सब परिवार ही नहीं रहा। रिश्ते टूट गए तो उठा ले ये मूर्ति और ले चल अपने साथ। ये दीवार पर जो मांडनी दिखाई दे रही है ना, तेरे पिता की जीत पर मैंने अपने हाथों से बनाई है। जब भी कभी मुझे उनकी कमी महसूस होती है ना, मैं यहाँ इसके पास आके बैठती हूँ, अपनी बच्ची कुची साथ अपने पति के साथ खोना नहीं चाहती मैं। तो क्या इस दीवार को भी ले चलेंगे साथ? तुझे पता है इन दीवारों को बनाने के लिए तेरे पिता ने एक एक ईंट को धोया है। इस पर साल में उनके साथ हमने सारे त्योहार मनाए हैं। यहाँ इस जगह मैंने पापड़ और अचार सुखाए, होली के सारे रंगों में मैं यही रंगी थी। हर साल मेरा जन्मदिन वो यही मनाया करते थे। अरे गोपू, तेरा नामकरण विधि विधान यही उन्होंने किया था। मैं पहली बार जिंदगी में नाची थी जब मनहर पैदा हुआ था, लेकिन आज इस सब को छोड़कर मैं तेरे साथ चलूंगी। हाँ, जरूर चलूंगी। जिस बेटी के पैदा होने पर मैंने सारे मोहल्ले को उधार पैसों से मिठाई बांटी थी, जिस बेटी को तूने श्री कृष्ण की माया कहा था, उसी बेटी की वजह से आज हम अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, है ना? अरे जिनको जन्म दिया उन्हीं से नाता तोड़ रहा है तू। अपने औलाद के आगे मान अभिमान करने लगा है तू। तो चल गोपू, मेरे साथ चल। मेरा सब कुछ यहाँ छूट गया तो क्या हुआ? तेरा आत्मसम्मान तो बच गया है ना। चल 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 गोपू चल। जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभा, लंबोदर दर हर हर कलभा। नौमी श्री भगवंतं गणपतिमति वरदं वरदंती मुखं सुमुखं सादर मे करदं वरदं विपदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलं वितमपि ददतं हतपापी शमलम्। आपका गोपू हाथ सिर्फ पिता बनकर ही रह गया था और पिता के स्वाभिमान में ये भी भूल गया ये गोपू आपका बेटा भी है और बेटे होने का फर्ज गोपू को मरते दम तक निभाना है। आपके गोपू को माफ कर देना बाप, आपके गोपू को माफ कर देना। मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है बाप, मैंने आपको बहुत दुख दिया है बाप, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर देना बाप, मुझे माफ कर देना। दर दर हर हर कलभा। મારી લાડકવાઈ દેવની દીધેલ છે વાય રાજા રાધીરે વાજો હમણાં પોઢેલ છે। દીકરી મારી લાડકવાઈ દેવની દીધેલ છે વાય રાજા રાધીરા વાજો હમણાં પોઢેલ છે, હમણાં પોઢેલ છે। बड़ों का मान तो रख लिया आपने, लेकिन छोटों के बारे में। औलाद होने का फर्ज निभाया है मैंने सुनंदा, बाप होने का फर्ज और अभिमान नहीं मिटाया है मैंने। और मेरा आपकी पत्नी होने का हक और माँ होने के नाते ममता के फर्ज, ये सवाल भी तुम्हारा ही बनाया हुआ है सुनंदा, और इसका जवाब खुद तुम्हें ही देना है। माया का साथ देकर तुमने मेरा साथ खोया है, माया का साथ छोड़ दोगी तो अपने पति का साथ पाओगी। गया रोना धोना नाटक नौटंकी हमारे मन का हो गया। डोंट फील बैड, बापूजी को रोना पड़ा लेकिन अपने सर से तो बोझ गया। बापूजी रुक गए। अरे भाभी, अब तो माया दब कर रहेगी ना? हाँ, दब कर भी रहेगी और धीरे धीरे करके अपनी असली औकात पे भी आ जाएगी। वैसे मुझे आज ही एहसास हुआ है कि बापूजी जैसे बुजुर्गों का घर में होना बहुत जरूरी है। बापूजी हैं जो कवच बनकर हमारी माया से रक्षा कर सकते हैं। हाँ। भावना, अगर इतना समझ में आ गया है ना तो अपने आपे में रहना, ज्यादा फैलने की कोशिश मत करना। और तुम, अरे अब तो कोई अच्छा काम करके दिखाओ, साबित कर दो कि तुम एक अच्छी पत्नी, माँ और बहू हो, वरना पहली बार जो सबकी उंगली तुम तीनों को छोड़कर माया की तरफ उठी है ना, वो वापस इस तरफ घूम जाएगी सेम टू सेम। डोंट फील बैड। ऐसे नाजुक मौके पर कोई भी गलती करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, इतनी बेवकूफ नहीं है कोकिला। का? ये लोग नहीं सुधरेंगे। ए भाभी, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जो करना है वो बापूजी और माया खुद ही करेंगे, है ना? अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि अब मैदान में आमने सामने हैं खुद बाप और बेटी। बाप बेटी अब आपस में लड़ते रहेंगे और हम चैन से जिएंगे। और इस बाप बेटी की लड़ाई को कभी न खत्म होने वाली जंग बनाने का काम कौन करेगा? मैं भावना। मैं इंदिरा। मैं कोकिला घीवाला।